नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम का बोर्ड लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद ना खा ले। ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के नए आदेश के अनुसार अब हर खाने पीने की दुकान या ठेले वाले को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा जिससे कि कोई भी कांवड़िया गलती से भी किसी मुस्लिम दुकान से कुछ ना खरीद ले। उन्होंने कहा कि इसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कहा जाता था और हिटलर के जर्मनी में इसे जूडेन बॉयकॉट कहा जाता था। हाथरस में भगदड़ की वजह से 131 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, उसमें भोले बाबा की भूमिका भी संदिग्ध मानी गई। अब उसी बाबा की तरफ से एक बयान आ गया है। उसने कहा है कि होनी को कौन टाल सकता है, एक दिन सबको जाना है। भोले बाबा का तो यहाँ तक कहना है कि सत्संग के दिन साजिश हुई थी, उसी वजह से इतने लोगों की मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि इससे पहले तक जब भी भोले बाबा ने बयान दिया था उन्होंने इस हादसे को लेकर संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन अब तो खुलकर उनकी तरफ से बयानबाजी हो रही है। महाराष्ट्र सरकार अब 12वीं पास कर चुके, डिप्लोमा कर रहे और ग्रेजुएशन में पढ़ रहे छात्रों को हर महीने 6000, 8000 और 10000 रुपयों का भुगतान करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक एक्स पोस्ट में इसका ऐलान करते हुए लिखा कि बच्चों के लिए मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की जाएगी और इसके माध्यम से 12वीं तक पढ़ने पर 6000, डिप्लोमा करने पर 8000 और डिग्री होने पर 10000 रुपये वजीफे के तौर पर दिए जाएंगे। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद भाजपा उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव की तैयारी कर रही है। समझा जाता है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी का खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली है और आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के दौरान पद छोड़ने की पेशकश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब अगले कदम पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं। बता दें, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में प्रमुख भाजपा नेता राष्ट्रीय राजधानी में हैं और पार्टी आलाकमानों के साथ बैठकें कर रहे हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की जिससे बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा उत्तर प्रदेश में एक OBC नेता को अपना राज्य प्रमुख बनाने की इच्छुक है क्योंकि वो चुनावी झटके से उभरने और 2027 के राज्य चुनावों की तैयारी कर रही है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद के एक जाट नेता हैं और उन्हें समुदाय के भीतर भाजपा के खिलाफ नाराजगी को कम करने के लिए 2022 में भूमिका दी गई थी। चौधरी के स्थान पर OBC नेता की भाजपा की संभावित पसंद को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि OBC राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है और चुनावों में एक महत्वपूर्ण कारक है। इस आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 2019 में उसका स्कोर 62 से घटकर इस बार 33 हो गया क्योंकि मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली। कुल मिलाकर भाजपा अब OBC नेता को आगे बढ़ाने की सोच रही है और दूसरी ओर देखा जाए तो NDA में शामिल अनुप्रिया पटेल ने CM योगी को पिछड़ों के लिए सही से काम ना करने वाला बताया था और योगी पर तलवार पहले से लटकी हुई है। अब देखते हैं कौन बदला जाता है। उत्तर प्रदेश में BJP में काफी टकराव की स्थिति है। संगठन और सरकार के बीच टकराव का संकेत UP की डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दे दिया था। इन सबके बीच आज राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने यूपी के 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक टीम भी बना दी। खास बात यह है कि उस टीम में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य को कोई जगह नहीं दी गई। दरअसल CM योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित स्पेशल 30 मंत्रियों की इस टीम को यूपी के 10 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव के लिए लिहाज से बनाया गया है। खास बात यह है कि सभी मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है लेकिन डिप्टी CM को किनारे कर दिया गया है। टीम में दोनों डिप्टी CM यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को शामिल न करना कयासों को और पुख्ता कर रहा है कि CM योगी की कैबिनेट से लेकर UP BJP में संगठन स्तर पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद तरह तरह की अटकलों के बीच CM योगी आदित्यनाथ आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने राजभवन पहुंचे। बताया जा रहा है कि CM योगी आगामी मानसून सत्र को लेकर राज्यपाल से चर्चा करने पहुंचे। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश BJP में हो रहे टकराव को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि दिन पर दिन कमजोर होती भाजपा में टकराव और भटकाव का दौर शुरू हो गया है। भाजपा खेमों में बंट गई है। भाजपा के एक नेता महोदय अपने ही शीर्ष नेतृत्व के दिए नारे को नकार रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है, जो उछल कूद कर रहे हैं वो बैठा दिए जाएंगे। कोई कह रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो कोई सहयोगी दल हार का कारण दिल्ली लखनऊ के नेतृत्व के ऊपर डाल रहा है। कोई वीडियो बनाकर बयान दे रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है। भाजपा में एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है।
सबकी डोरी अलग अलग हाथों में है। भाजपा में पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई है। इंजन ही नहीं, अब तो डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चौंकाने वाला बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के सबका साथ सबका विकास नारे को भी बदलने की जरूरत बताई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमें सबका साथ सबका विकास की बात करने की जरूरत नहीं है, हम तय करेंगे कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ दें। इतना ही नहीं, शुभेंदु ने कहा कि हम जीतेंगे और हिंदू को बचाएंगे। खास बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जिस सबका साथ सबका विकास को बंद करने की बात कर रहे हैं, वो नारा सबसे पहले पीएम मोदी ने दिया था। शुभेंदु अधिकारी ने एक कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगाते हुए कहा, सबका साथ सबका विकास बंद करो। इतना ही नहीं, उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चे को भी बंद करने की बात कही। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान पर अब स्पष्टीकरण जारी किया। शुभेंदु अधिकारी का सबका साथ सबका विकास नारे को बंद कर दो का बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया था। इसके बाद अब उन्होंने कहा है कि मेरे बयान का गलत संदर्भ निकाला गया। मैं ये साफ कर दूं कि जो राष्ट्रवादी हैं और इस देश बंगाल के लिए खड़े हैं, हम उनके साथ हैं। अधिकारी ने कहा कि जो लोग हमारे साथ नहीं हैं, देश और बंगाल के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमें उनका खुलासा करने की ज़रूरत है। ममता बनर्जी की तरह हमें लोगों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में नहीं बांटना चाहिए और सभी को भारतीय के रूप में देखना चाहिए। अधिकारी बोले, मैं प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के नारे में पूरी तरह से यकीन रखता हूँ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने राज्य में मुसलमानों की आबादी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हिमंत ने बुधवार को कहा, डेमोग्राफी का बदलना मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है। असम में आज मुस्लिमों की आबादी 40% तक पहुंच गई है। बता दें 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में मुसलमानों की आबादी 34% से अधिक थी। हालांकि 2011 के बाद जो जनगणना होनी थी वो अब तक नहीं हुई है। हिमंत बोले, 1951 में असम में मुस्लिमों की आबादी केवल 12% थी। हम कई सारे जिलों को खो चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री बोले, मेरे लिए यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरे लिए ये जीने और मरने का मुद्दा है। बताते हैं हेमंत इससे पहले भी मुसलमानों को लेकर बयान देते रहे हैं। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए कई सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री की लागू की गई ये योजना एक लोकहित की योजना है। इस योजना के जरिए आज हमारे पास एक्टिव और स्किल्ड युवा हैं। नौकरियों में आरक्षण पर जानकारी देते हुए सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना लागू की थी। इस योजना के तहत भारतीय सेना में 4 साल के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और SPO के पदों पर भी सीधी भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण के अलावा अग्निवीरों के लिए उम्र की सीमा में भी छूट मिलेगी। सैनी ने कहा कि इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और ग्रुप सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु की यह छूट 5 सालों की होगी। नायब सिंह सैनी ने यह ऐलान भी किया कि सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% आरक्षण और ग्रुप बी में 1% आरक्षण प्रदान करेगी। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई में हर महीने 30,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी दी जाती है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपये सालाना की सब्सिडी देगी। बता दें इससे पहले बीजेपी की हरियाणा सरकार ने OBC की क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ा दी थी। कुल मिलाकर हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी एक्टिव हो गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य विधानसभा चुनावों के पहले OBC वर्ग में क्रीमी लेयर को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने OBC वर्ग में क्रीमी लेयर के लिए सालाना आमदनी की अधिकतम सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। इसमें वेतन और खेती से होने वाली आमदनी शामिल नहीं है। बता दें हरियाणा में OBC करीब 40% हैं। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रोबेशन में चल रही IAS अधिकारी पूजा खेडकर के विकलांग होने और OBC जाति प्रमाण पत्र को लेकर चल रहे विवाद थम नहीं रहा है। पूजा खेडकर विवाद पर NCP नेता सुप्रिया सुले ने कहा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नीट की तरह ही एक प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा है और नीट की तरह ही यहाँ भी चीज़ें परेशान करने वाली हैं। ऐसी कोई पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं है जिसमें इस तरह की चीज़ों को रोका जा सके। ये राज्य की सुरक्षा का विषय है और इसे बहुत ही हल्के में लिया जा रहा है। अजीत पवार के NCP को तगड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में NCP के 4 शीर्ष नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए। शामिल होने वालों में NCP की पिपरी चिंचवाड़ इकाई के प्रमुख अजीत गवाड़े भी शामिल हैं, जो पुणे में शरद पवार के घर पर उनकी पार्टी में शामिल हुए। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी को पहला बड़ा झटका लगा है। ये घटनाक्रम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुआ है और ये चुनाव के मद्देनजर अजीत के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।
अब खबर चल रही है कि महाराष्ट्र के मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता छगन भुजबल अजित पवार का साथ छोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ी पत्रकार एक बार फिर महाराष्ट्र में बीजेपी को अजित पवार के साथ गठबंधन करने पर आपत्ति जता दी। आरएसएस से जुड़ी मराठी पत्रिका विवेक में लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब इसलिए रहा क्योंकि इसने अजित पवार के साथ गठबंधन किया। पत्रिका के मुताबिक इस गठबंधन से बीजेपी कार्यकर्ता असहज महसूस कर रहे थे और बीजेपी की हार का कारण पूछे जाने पर वो सबसे पहले अजित पवार के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ी मराठी की साप्ताहिक पत्रिका विवेक में दल बदलुओं को बीजेपी में शामिल कराने पर भी टिप्पणी की गई। आर्टिकल में दावा किया गया है कि बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को नेता बनाने के लिए सहज प्रक्रिया का पालन करती है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को अब लगता है कि इस प्रक्रिया को नजरअंदाज किया जाने लगा है। बीजेपी इम्पोर्टर बन चुकी है, दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन बन गई है। कर्नाटक कैबिनेट में एक विधेयक को मंजूरी दे दी गई है जिसमें कहा गया है कि उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में 50% मैनेजमेंट पोजीशंस पर और 75% नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस पर लोकल उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। विधेयक एक स्थानीय उम्मीदवार को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो कर्नाटक राज्य में पैदा हुआ हो और जो 15 वर्षों की अवधि के लिए राज्य में अधिवासित हो और जो अच्छे तरीके से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। जीतन सहनी की हत्या के मामले में पैसों के लेन देन की बात सामने आ रही है। मिथिला क्षेत्र के DIG बाबूराम ने बताया कि हत्या के मामले की जांच के दौरान पुलिस को एक CCTV फुटेज मिला है जिसमें 4 लोग जीतन सहनी के घर में घुसते हुए दिख रहे हैं। इसके कुछ देर के बाद 4 लोग घर से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज में दिख रहे सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उत्तराखंड के देहरादून में हिंदुत्व भीड़ ने ईसाई प्रार्थना सभा पर हमला किया। हिंदुत्व कार्यकर्ताओं के एक समूह ने घर में घुसकर अंदर मौजूद कम से कम 7 लोगों पर हमला किया, प्रार्थना कक्ष और शयन कक्ष में तोड़फोड़ की, ईसाई धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और उन सभी पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। आरोपियों की पहचान देवेंद्र ढोबाल, विजेंद्र थापा, सथिर थापा, संजीव पॉल, सुधीर पॉल, धीरेंद्र डोबाल, अरमान ढोबाल, आरमान ढोबाल, अनिल हिंदू, भूपेश जोशी और विजेंद्र के रूप में हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से कोर्ट में राहत नहीं मिल सकी। दिल्ली हाईकोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर भी हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें दिल्ली के CM ने ED द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की CBI केस में जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में CBI की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि CBI ने पिछले 2 साल में केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जब ED मामले में उन्हें राहत मिलने वाली थी तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो कोई आतंकी नहीं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।